तो जैसा कि फ्रेंड्स आप थंबनेल में देख चुके हैं कि जो अर्निंग है अपनी वो 58,000 व्यूज पर केवल $1 हुई है। तो ये ब्लॉगिंग जो भी करते हैं भाई उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा वॉच करेंगे। और सबसे पहले एक बता दूँ कि अगर आप लोग नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसका रीज़न क्या है, इसका 58,000 व्यूज पर केवल $1 क्यों बना और इतनी कम अर्निंग, वो भी 1,500 वॉच टाइम हावर्स आ रहा है, यानी कि 1.3 वॉच टाइम हावर्स का जो टाइम लिमिट है वो इतना होने के बावजूद भी आखिर $1 ही क्यों बना। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो चैनल मोनेटाइज हुआ था वो करीब 2 से 3 महीने हो गए हैं। इसके अगर थोड़ा सा अगर मोनेटाइज पर आएँ अर्न पर, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए टोटल जो अर्निंग है वो $10 हो चुकी है, यानी कि अब एडसेंस पिन अपना आने वाला है और एडसेंस के लिए अप्लाई भी कर दिया है, जो कि पिछला वीडियो मैंने अपलोड भी कर दिया है कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे पिन घर आएगा, उसका वीडियो मैंने पूरा अपलोड कर दिया है और जाकर आप वॉच कर लीजिए। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर अर्निंग की, केवल 58,000 व्यूज़ पर केवल $1 क्यों। तो देखिए फ्रेंड्स, जब मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हुआ था ना, तो जो वायरल वीडियो था, वायरल वीडियो मेरा इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि उस पर व्यूवरशिप जो थी करीब एवरेज मिनट तीन मिनट एवरेज के हिसाब से करीब 2 लाख प्लस मी थी। तो मेरा जो वॉच टाइम था 4,000 हावर्स का वो पूरा अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया और वो अप्लाई जैसे किया तो 24 घंटे के बाद ही मैसेज आ गया कि आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। उसके बाद क्या होता है कि जो वायरल वीडियो था मोनेटाइज होने के बाद भी करीब 2 से 2.5 लाख व्यूवरशिप चली जाती है उसमें, इतना ज़्यादा वायरल हुआ था। तो लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें प्रॉब्लम आ जाती है एड सूटेबिलिटी की। ये एड सूटेबिलिटी क्या होता है दोस्तों, कुछ चीज़ें यूट्यूब की रहती हैं जो अगर आप वॉयलेशन करेंगे उनका तो यूट्यूब उसमें एड सूटेबिलिटी लगा देता है, और वही मेरा प्रॉब्लम इसमें हुआ। वायरल वीडियो जो था उसमें आ गई एड सूटेबिलिटी वाली प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने उसमें सुधार किया, हालांकि वो 24 से 48 घंटे के लिए ठीक हो गई जैसे मैंने थोड़ा सुधार किया, लेकिन उसके बाद फिर से आ गई। तब मैंने चेक करके रिव्यू में डाला और रिव्यू में डालने के बाद ये करीब 2 से 3 दिन बाद मैसेज आता है कि कंफर्मेशन कर लिया गया है और आपका वीडियो एड सूटेबिलिटी के अंतर्गत ही आता है। अब क्या किया जाए, अब वायरल वीडियो जो था वो 2 से 2.5 लाख व्यूअरशिप हो चुकी थी और अभी भी बढ़ ही रहा था। उसके बाद जो मेरा था वो इनकम जो थी $3 से $4 बन चुकी थी करीब 4 से 5 दिन के अंतराल में। उसके बाद जो मेरा वीडियो था एड सूटेबिलिटी कंफर्मेशन जैसे हुआ, उसके बाद जो $1 था वो $1 ही रह गया और मेरी जो अर्निंग थी वो एकदम से लो हो गई। तो और आज के समय में इतना ही अभी $10 बना हुआ है। तो यही कहूँगा कि जितने लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो अपने शब्दों को, अपने वीडियो को एक बार ज़रूर चेक कर लें जो वॉयलेट करता हो, और क्योंकि अगर वो $1 ना होता तो मेरी ये जो अर्निंग है ये शायद $50 से $60 के करीब होती। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना दोस्तों, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।